माई डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं जिनको 36 सिक्स ईयर एज ए डॉक्टर बने हुए हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में और वो अल्ट्रासाउंड को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस है तो वो डॉक्टर जो हैं बहुत ही अगर देखा जाए गुड्स मैडर्न हॉस्पिटल में बहुत फेमस हैं और बहुत लोगों को ए, अच्छे तरीके से बता सकते हैं हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड कहाँ तक ए, अच्छा है जो कि स्पेशली फो जब गायनी में ख़वा आती हैं तो जब उन, उनको जब ज़रूरत है तो उनमें कहाँ तक उनको ज़रूरत है और वो हम डॉक्टर से कुछ क्वेश्चन करेंगे कि गायनी में कितना इम्पॉटेंट है अल्ट्रासाउंड जी डॉक्टर सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप thank हमारे चैनल में टाइम दिया थैंक यू सो मच थैंक यू आपका डॉक्टर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड ये गायनी में जब एक खातन प्रेग्नेंट होती हैं तो ये जब आती हैं तो कब इनको फर्स्ट टाइम डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए देखें किसी ज़माने में लोग काफ़ी देर में आते थे डॉक्टर डौक, के पास लेकिन अब जो है अब ये है कि एज सुन एज यू थिंक यू आर प्रेगनेंट तो आपको फौरन जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो जैसे ही आपको फील हो आपको कोई अलामत ऐसी खातन की रूटीन चेंज हो जाए तो उनको फिर डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए तो जो पहला जो टेस्ट है वो कब होना चाहिए आजकल तो लोग इतने अवेयर हैं काफ़ी सारी चीज़ों से तो लोग प्रेगनेंसी टेस्ट तो यूजुअली घर से ही करके आ जाते हैं ओके okay. कि हाँ जी हमारा प्रेगनेंसी पीटी पॉजिटिव आया है तो फिर हम जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो हम जैसे वो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि अब आप अल्ट्रासाउंड करवाएं क्यों अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे, जैसे साइंस तरक्की करती चली जा रही है वैसे वैसे पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी यूटरस uh, में ही नहीं खाली होती यूटरस से कई दफ़ा बाहर भी होती है uh -huh. तो पहली दफ़ा जब पेशेंट आती है तो हमें यह कंफर्म करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी जो है वो अपनी जगह पे है uh -huh. अगर प्रेगनेंसी है तो वाकई प्रेगनेंसी है uh -huh. क्योंकि यूरिन पीटी जो है वो कई दफ़ा फॉल्स पॉजिटिव भी आता है okay. तो उसको रूल आउट करने के लिए जो है हम कन्फर्म करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल के प्रेगनेंसी यूटरस में ही है और अगर है तो वाकई मौजूद है uh -huh. यूटरस में या कहीं यूट्रस से बाहर तो नहीं है नहीं। तो ये डायग्नोज करने के लिए कि भाई वो अपनी जगह पे है हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है ओके okay. तो डॉक्टर ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कितनी दफ़ा टेस्ट करवाना जरूरी है देखें वैसे तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है एटलीस्ट चार अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत जरूरी बहुत जरूरी है फर्स्ट कि भाई पहले ही चेकअप पे आपको कंफर्म हो कि हाँ भई आप प्रेग्नेंट हैं okay. और प्रेगनेंसी अपनी जगह okay. है दूसरा ये है कि हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं थ्री मंथ्स पे थ्री मंथ्स पे जो है हम देखते हैं कि उसका उस अल्ट्रासाउंड का नाम है नकल थिकनेस अल्ट्रासाउंड ओके okay. नकल थिकनेस जो है यहाँ नेक पे एक फ्लूड लेवल हम चेक करते हैं उससे ये मालूम होता है कि आया ये बच्चा नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा Okay. अगर फ्लूड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम उस वक्त पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं okay. कि देखें ये बच्चा बाद में अब नॉर्मल हो सकता है इसको कई अब नॉर्मैलिटीज okay. हो okay. सकती हैं दूसरा ये दूसरा अल्ट्रासाउंड है जो हम करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी अल्ट्रासाउंड okay. नकल थिकनेस अल्ट्रासाउंड और इसमें हम बच्चे की ब्रेन डिवेलपमेंट बच्चे की ब्रेन जो है वो सही काम कर रही है करेगी जब वो पैदा हो तीसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हम करते हैं अनोमली स्कैन एनॉमली स्कैन जो है वो पाँच से छह महीने के दरमियान देखते हैं स्कैन जो है इसमें हम ये देखते हैं फिर क्योंकि उस वक्त तक बच्चा जो इतना डिवेलप हो चुका होता है कि उसकी बेशुमार बेशुमारगन्स जो हैं वो हम उनको देख सकते हैं क्या वो फुली डिवेलप हो गई हैं कि नहीं उसके लिम्स प्रॉपर डिवेलप्ड हैं फिंगर डिजिट्स हम देखते हैं आई बॉल्स देखते हैं चेक कर लेते हैं, तो काफी सारी ब्रेन डेवलपमेंट उसमें देखते हैं हार्ट के पूरे हैं, किडनीज नॉर्मल डेवलप हो रही हैं, तो पूरी बॉडी का जो एग्जामिनेशन एक एक ऑर्गन का वो हमें नॉर्मली स्कैन में करते हैं वो पांच से छ महीने में मतलब पाँच से तो तकरीबन ये ट्वेंटी और फिर एक और जो चौथा अल्ट्रासाउंड है वो हम करते हैं ग्रोथ स्कैन जिसमें okay. mm -hmm. हम, okay. जिस हम देखते हैं सही हो रही है कई दफा ब्लड सप्लाई कोई हाइपरटेंसिव मदर है mm -hmm. कोई डायबिटिक मदर है तो उनके बच्चे की ब्लड सप्लाई जो है ना वो डिस्टर्ब होती है उन डिजीजे में तो फिर बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है उस पर फिर डॉक्टर को फैसला लेना होता है कि हमें बच्चे को जल्दी डिलीवर करना okay. है या हम इसको पूरे टाइम तक जाने देंगे okay, okay. और वैसे उसके अलावा जो है हम अल्ट्रासाउंड तो कितने भी कर सकते हैं कर सकते हैं वो इसलिए कि कई औरतें तो अब शौकिया भी करवाती हैं जब आती हैं वो कहती हैं नहीं हमें करवा नहीं करवाना उनको खुद भी बड़ा अच्छा फील ए, होता है ठीक है अच्छा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड uh, में ये भी बता सकते हैं कि सेक्स uh, के बारे में कि बेबी मेल है या फीमेल है जी इजीली हंड्रेड परसेंट होता है या क्या इसमें कह सकते हैं हंड्रेड परसेंट ही होता है हंड्रेड परसेंट मेरा तो हंड्रेड परसेंट अच्छा हंड्रेड परसेंट जो आप <laughs> कहेंगे कि हाँ जी मेरा ख्याल है कि गुड्स मैरिटन मैन मैंने तो अब तक तो कोई इतने सालों में कोई पच्चीस तीस तो अल्ट्रासाउंड किया ओके ओके और उसमें से मैं खाली को तीन या चार ने आके कहा होगा कि आपने ये बताया था तो ये निकला अच्छा तो फिफ्थ मंथ पे ही हम बत, मैं तो बता देती हूँ अच्छा ये, के। के हाँ, ये भी है। बता देती हूँ या फीमेल है और हाँ। मेरे पास 99% लोग जो हैं जो टाउन के वो इसलिए भी आते हैं अच्छा अच्छा डॉक्टर किशोर जो है आजकल लोगों को ये भी होता है कि हम तैयारी कर लें तो क्या ख्याल है कि ये बताना अच्छा है या क्या क्योंकि हमारे कल्चर में ये भी है ना अगर फीमेल बेबी हो तो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ ये भी हमारे कल्चर में है नहीं वैसे मैं एक बात बताऊं सबसे जो मैंने ये ये इंडिया में था कि वो फीमेल बेबी नहीं बताते थे ओके ओके क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर फीमेल्स को वो अबॉट कर देते थे ओके ओके तो, तो वहाँ उन्होंने जेंडर बताना बताना मना किया हुआ था लेकिन मैं यहाँ पर इस्लाम की जरूर जो है तारीफ करूंगी कि उन्होंने तो बेटी को रहमत कहा है तो अक्सर जब लोगों को बताओ भी चाहे उनकी चार भी बेटियां तो कहते हैं अच्छा रहमत आ रही है खुदा का शुक्र है।, है तो इसलिए यहाँ वो रुझान नहीं, नहीं है कि लोग जो है बेटियों को बढ़ करवाते हैं और एक और चीज़ भी मैं ये समझती हूँ कि अगर खुदावन ने बताना ही नहीं था तो खुदावन ने वो नॉलेज ही नहीं देनी थी अब जब ये आ गई आई गई है तो बताने में कोई खर्च भी नहीं मैं ये मेरी अपनी सोच तो डॉक्टर एक जो प्रेग्नेंट खुवान हैं उनको एक ऐसा मैसेज दें कि क्या है इसकी इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासाउंड की प्रेगनेंसी में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफ़कोर्स अल्ट्रासाउंड की बेहद इम्पोर्टेंस है जब वही बात कि अब जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ही ली है तो आपने ज़रूर पत्थर के ज़माने में रहना है और नहीं जाके डॉक्टर को दिखाना नहीं अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए कि बेशुमार चीज़ें तो आपको अपने बच्चे के बारे में वक्त से पहले पता चल जाती हैं और खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता कई दफ़ा तो आप ये भी पता चल जाता है भाई हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है कई दफ़ा यह भी पता चल जाता है कि बच्चे का होंठ कटा हुआ है कई दफ़ा ये भी पता चल जाता है कि भाई बच्चे की लिम्स छोटी हैं या पाँव मुड़े हुए हैं बेशुमार बेशुमार्मेलिटीज हैं वो जो है पहले से आप डायग्नोज कर लेते हैं या मेल बॉयज़ हैं उनके टेस्टिकल्स में अगर पानी जमा हो गया है तो इस टाइप की बेशुमार डायग्नोसिस जो हैं वो हम वक्त से पहले कर लेते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की पेदाइश से पहले ही उन सारी चीज़ों के लिए वो तैयार होते हैं और जैसे ही बेबी पैदा होता है तो ऑफ़कोर्स वो फिर कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे राय लेते हैं मशवरा लेते हैं बच्चे को ट्रीट करवाते हैं तो मैं माओ से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर वो अल्ट्रासाउंड को कोई अपने लिए मिथ ना समझें कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव ना समझें क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत सेफ़ मेथड है एक्स जो है वो एक हजारडियस मेथड है जिसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है लेकिन अल्ट्रासाउंड में कभी भी बच्चे को नुकसान नहीं होगा क्योंकि नहीं। वो साउंड वेव से करते हैं तो इसलिए वो सेफ है तो आप जितनी दफ़ा मर्जी है करवा सकते हैं थैंक यू सो मच आपके यूट्यूब के चैनल्स के सारे मेंबर्स जो आए हैं इस वक्त हमारे पास और अपने पूरे साजो सामान के साथ पत्नी दौर आए हैं तो मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ और आपकी स्पेशली कि आपने ये टारगेट किया कि आप मुझसे ये इंटरव्यू करें ताकि लोगों के लिए कोई भलाई का सबब हो तो चलें खुदा करें कि इसके ज़रिए से बेशुमार लोगों के जो तहफात हैं वो भी बेहतर हों अल्ट्रासाउंड के बारे में और लोग जो हैं इसको कोई अपने लिए गलत चीज़ ना समझें ओके डॉक्टर किश्वर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं स्पेशली फॉर प्रेगनेंस खातियों के लिए ये बहुत अच्छा है कि अल्ट्रासाउंड कितनी उनके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स और माई व्यूअर्स जैसे कि डॉक्टर किशोर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक प्रेगनेंट खातून के लिए एक फ़ीमेल के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड की ये ज़रूर हमें जानने की ज़रूरत है और इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के लिए ये नॉलेज का बायस बन सके ओके माय डियर थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू डॉक्टर जी थैंक यू